बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ। लेक्चर है आप लोगों का 11B और यूनिट आप लोगों की 8 चैप्टर था और एक्सरसाइज उसकी एक ही है 8.1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप लोगों की ट्राइंगल्स थी, ऐसी ट्राइंगल्स कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, ऐसी ट्राइंगल जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमने लास्ट बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 कि जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। फिर उसके बाद हमने उसमें किए थे इन सेंटर, सेंट्रोइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियंस, एल्टीट्यूड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आप लोगों के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा, कंस्ट्रक्ट आर रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एडजेसेंट की डेफिनेशन हमने याद होगा कि चैप्टर नंबर 7 में की थी, ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे ना कि ऐसे जुड़े हुए एंगल्स के जिनका कॉमन पॉइंट होता है और कॉमन आर्म होती है, तो यहाँ पर साइड्स का मतलब है कि ऐसी लाइन जिसमें एक कॉमन एंगल होगा, ठीक है, उन्हें बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। रेक्टेंगल है आपके पास, दैट मीन्स कि क्वेश्चन 9 से आप लोगों की क्वाड्रिलेटरल फिगर्स आ गई हैं। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उनमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हम इसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल की उन्होंने 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कोई भी लेंथ बताई हुई है, आपने इसे जिसे मर्जी कंसिडर कर लें एज अ लेंथ एज अ ब्रेथ। तो मैं 4 सेंटीमीटर को एज अ लेंथ ले रही हूँ और मैंने आपको बताया था कि आपने 1.0 पर और 1.4 पर लगाइएगा और इससे ये होगा कि आपकी लाइन आपकी मेजरमेंट से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। इसका नाम मैं रख रही हूँ ए और बी और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन होती है आपके रेक्टेंगल की वो होती है उसके एंगल्स। रेक्टेंगल्स के 4 के 4 एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमने ए और बी दोनों पर बनाना है और विद द हेल्प ऑफ कंपस बना सकते हैं, क्योंकि कंपस की मदद से 90 डिग्री का एंगल हमने लास्ट में बताया भी था, एक दफ़ा फिर रिवाइज होंगे। सबसे पहले आपने 1 सेंटीमीटर की आग ओपन करनी है, ठीक है, और यहाँ पे पिन पे ए के ऊपर रखकर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना, और इसी तरह आपने बी पे रखकर भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। अब आपने जहाँ पर ये सेमी सर्कल इस लाइन को कट कर रहा है वहाँ पर रखकर आपने पहली आर्क देन सेकंड आर्क, जब आपको अपने आर्क को हिलाए बगाए जब पहली आर्क लगाते हैं वो आपकी 60 डिग्री की और दूसरी आर्क 120 डिग्री की और 90 क्योंकि इनके दरमियान में होगा तो इसलिए हम इसका हाफ कर लेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर जहाँ पर ये सेमी सर्कल कट कर रहा था आपकी लाइन ए बी को वहाँ पर पिन रख के आर्क, इधर मैंने यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ गई हूँ और इधर क्योंकि लेफ्ट की तरफ था तो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आ गए, ठीक है। अब चाहे तो आप इसी मेजरमेंट के रखें, चाहे आप इसे थोड़ा सा खोलें जैसे कि मैंने खोल लिया है। अब इन दो आर्क्स की मदद से आपने मज़ीद दो आर्क्स लगानी है, सेम यही और यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास ये जो पॉइंट्स आए हैं आप इसे डॉट लगा लें ताकि आपको लाइन ड्रॉ करना आसान रहे। जब भी ये जो आर्क्स मिलती हैं तो यहाँ पर डॉट ज़रूर लगा लिया करें, उससे आपको लाइन ड्रॉ करना आसान होती है। आपने लाइन ड्रॉ करनी है ये लाइन किसी भी मेजरमेंट की होगी, आपने इसे स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पर ये कितने की होगी, ठीक है।
हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी, उसका नाम लिखा, फिर उसके बाद अब हमने क्योंकि एंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं तो एंगल्स की मेजरमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और लाइन दी हुई है, वो 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर का कंपास खोला और इन लाइन्स का नाम भी लिख देते हैं। ये बी और एफ है और ये ए और ई लाइन है, ठीक है। अब हमने 3 सेंटीमीटर का कंपास खोला है और 3 पिन मैंने आपकी 0 पे रखी है और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा 3 सेंटीमीटर पे मैंने कंपास खोल दिया, ठीक है। अब आप ए पे रखकर इस लाइन को कट करें और बी पे रखकर उसकी लाइन को कट करें, ठीक है। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, ये है सी और ये है आपके पास डी, और सी और डी को ज्वाइन कर दें तो आपके पास रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। और क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की हमने आंख लगाई थी तो इसको भी 3 सेंटीमीटर बोलें। आपकी ये याद रखिएगा, जब भी आप किसी जो फिगर को ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये वैल्यूज जो गिवन होती है उनका लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे उन्होंने रेक्टेंगल का नाम नहीं दिया, हमने उससे खुद से नाम दिया ए बी सी डी, मोस्टली मैं ए बी सी डी दूँगी लेकिन आप एक्स वाई जेड जो भी देना चाहें, एस टी यू वी जो भी आप देना चाहें, ठीक है। उसके बाद उनकी मेजरमेंट जो गिवन थी 4 सेंटीमीटर और ये उससे 4 सेंटीमीटर से जुड़ी हुई ये इसकी एडजेसेंट लाइन है इधर से भी और इधर से भी, और 90 डिग्री का एंगल है और, ठीक है। और ये आपका रेक्टेंगल नंबर और रेक्टेंगल मुकम्मल हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगी। आपने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट्स ए एंड बी, यानी एन एंगल यानी ए पे भी और बी पे भी आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ कंपासेस से यूज विद ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट डी ऑन ए ई। ये जो हमने आर्क लगाई थी डी पॉइंट लिया और हमने ये लाइन ए ई पे बन ड्रॉ की थी, सेम हमने इधर भी किया था। विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन अदर आर्क विद द सेम रेडियस एट द पॉइंट सी सी ऑन बी एफ, ठीक है। ज्वाइन सी एंड डी ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को गौर से देखें। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड एडजेसेंट डायगोनल इज 9 सेंटीमीटर। डायगोनल आपको जो लाइन होती है जो रेक्टेंगल को या स्क्वायर के दरमियान से कट करे, ठीक है, और वो हमेशा ऑपोजिट साइड के पॉइंट्स को मिलती है। तो हमारे पास साइड एक है और दरमियान में उसकी डायगोनल दी हुई और डायगोनल भी इस लाइन से एडजेसेंट है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने का एक और तरीका है, अगर आपके पास 2 साइड्स हो तब भी रेक्टेंगल बन जाता है, एक साइड भी डायगोनल दे दें तब भी बन जाता है, ठीक है। और एंगल आपको याद होगा कि 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। तो हमने जो साइड दी है वो 6 सेंटीमीटर की दी है, तो वो ड्रॉ लाइन ड्रॉ करने लगे हैं 0 और फिर उसके बाद 6 नाम इसका, फिर मैं ए और बी ही रख रही हूँ और ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने वही 1 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है, और ए और बी पर सेमी सर्कल ड्रॉ करनी है, फर्स्ट आर्क देन सेकेंड आर्क, सेम इधर भी
फर्स्ट आर्क सेम सेकंड आर्क। एक बात जो शायद मैंने पहले नहीं बताई हो वो ये कि आपने अपने घर में प्रैक्टिस करनी हो तो आप इसे पेंसिल से कर लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में आपने इसे जैसे मैं बॉल पॉइंट से कर रही हूँ आपने भी इस काम को बॉल पॉइंट से ही करना है, ठीक है। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे बोर्ड में कोई भी डायग्राम तो वो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, मेरा ख्याल है कि मैं ये सेंटेंस आपको पहले नहीं बता सकी, अभी बता रही हूँ कि आपने घर में जितनी मर्जी प्रैक्टिस के लिए आप पेंसिल से कर लें, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अगर आप प्रैक्टिस में ही बॉल पॉइंट रख लें और तो आपकी प्रैक्टिस एक दफ़ा गलत होगा, दो दफ़ा गलत होगा, लेकिन तीसरी दफ़ा वो आपकी फिगर ठीक बन जाएगी। तो आप बॉल पॉइंट से ही प्रैक्टिस रखें, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हो रही तो आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर लो, जब आपकी डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो आप उसे बॉल पॉइंट से भी बनाना शुरू कर दें। लेकिन बॉल पॉइंट में भी बनाते हुए जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं हर एक डायग्राम को आपने तकरीबन बॉल पॉइंट के साथ भी 3-3 टाइम ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपकी कोई भी मेजरमेंट में चेंजिंग ना हो, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स मिले थे जहाँ पर आग ने कट किया, तो वहाँ पे मैंने एक लाइन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर दिए। लाइन आग की वही है, ये ई होगी और ये एफ होगी, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैंने वही नाम लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ये डायगनल हमने सबसे पहले नेक्स्ट जो लास्ट प्रीवियस था क्वेश्चन उसमें था कि बेस लाइन थी और उसके साथ में जो हमने एडजेसेंट लाइन दी ली थी राइट और लेफ्ट दोनों पर। अब क्योंकि डायगनल है तो डायगनल में हमने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है। ये 0 पर मैंने रखा और ये मैं 9 पर, ये अगर आपको वो से नज़र आ रहा होगा क्यों तो ये 9 के ऊपर कंपस गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये डायगनल है तो डायगनल जो होता है वो अपोजिट साइड लाइन से मिलता है, तो आपने इससे ए से बी एफ की लाइन को कट किया है, ठीक है। इसी तरह बी से ए ई की लाइन को कट करना है, ठीक है। और आपके पास जो पॉइंट आएंगे वो यहाँ पे सी और यहाँ पर डी आएगा, सी और डी को ज्वाइन कर दे, ठीक है। और आपकी ये जो लाइन है 9 सेंटीमीटर की वो इसकी डायगनल की है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें जो कि ए और सी है, और ए सी जो है वो आपका 9 सेंटीमीटर का डायगनल है, इसे बोलेंगे डायगनल। अब आपको क्लियर होगा कि डायगनल बोलते हैं, डायगनल इसे बोलते हैं ये जो आपकी ऑपोजिट्स पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, और ये आपकी और रेक्टेंगल में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है, तो ये डायगनल है। डायगनल की मदद से आपकी फिगर बनी है बेस लाइन, फिर 90 डिग्री के एंगल्स बनाने के बाद आपने डायगनल की मेजरमेंट की आर्क ली और उसे ऑपोजिट साइड पर ए से लेके बी एफ पर और बी से लेके ए ई पर आपने लाइन ड्रॉ की, तो आपके पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जा रही है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ बायस 90 डिग्री एट ईच एंड पॉइंट्स। और अब मैंने क्योंकि एंड पॉइंट्स लिख दिए तो मैंने ए और बी का नाम नहीं लिखा, आप पिछली सेंटेंस की तरह ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। फिर है विद द ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी ऑन बी एफ, ए की मदद से हमने बी एफ लाइन पर सी पॉइंट हासिल किया। विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस, आपके रेडियस सेम था एट द पॉइंट डी ऑन ए ई, ठीक है। ज्वाइन ए सी एंड डी ए बी सी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, ठीक है। आपके पास इस दो लाइनों में चेंजिंग ये है कि जब ए को रखा तो आपने यहाँ पे सी और बी एफ को कट किया, बी पे रखा तो आपने
और डी लिया और ए को कट किया, जबकि आपका लास्ट में क्वेश्चन में था कि ए से लेके डी लिया था और ए को काटा था और बी से लेके सी लिया था जो कि बी एफ को ही काटा था। तो डायगनल की वजह से इन सेंटेंसेस के पॉइंट्स में थोड़ी चेंजिंग आई है, अदरवाइज आज के सेम टू सेम वही सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको याद करने की टेंशन ना होगी, हमने इन सेंटेंसेस को याद करना है। अब आ गया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके सामने नजर आ रही है और उसमें क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर। और स्क्वायर की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास एक लाइन क्यों है, और स्क्वायर एक ऐसा इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों की चारों साइड्स बराबर होती है। स्क्वायर 4 साइड्स इक्वल होती है, 4 एंगल्स आपकी जो है वो 90 डिग्री की होती है और वो भी इक्वल ही होती है। इसे क्लियर, तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर लिखा हो और वन साइड दी हो तो इसका मतलब है कि चारों की चारों साइड्स वैसी होंगी। आपका प्रोसीजर जो है स्क्वायर का बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है, बस ये फ़र्क है कि उधर आपकी जो बेस है आपकी जो लाइन उसी को हमने साइड में भी आर्क लगानी है। ठीक है, आपके 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दी और उसके पॉइंट्स लिए और नाम उसका फिर मैंने वही ए और बी ले रही हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर के भी चारों के चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हमने इसे वैसे के वैसे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ए पर भी सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया और बी पर भी जहाँ पे ये लाइन कट किया वहाँ से पहली आर्क और पहली आर्क की मदद से दूसरी आर्क। ठीक है, इसी तरह बी से भी। ठीक है, आपने पहली आर्क और पहली आर्क की मदद से दूसरी आर्क, चाहे तो आप इसी मेजरमेंट पे इस आर्क से ले लें, चाहे तो आप थोड़ा सा इसे खोलें ताकि आपकी आर्क की कटिंग क्लियर नज़र आए। तो अब आपने इन आर्क की मदद से और आर्क लगानी है। ये आज का मतलब होता है कि आपका ये उस पहला मैंने बोला है कि आपकी पहली जो आर्क होती है वो 60 डिग्री की होती है और दूसरी जो आर्क होती है वो किसकी होती है 90 डिग्री की होती है। और जब 60 और 90 के दरमियान में आएंगे तो इनके दरमियान में 60 और 120 के दरमियान में 90 का एंगल आता है, तो इसलिए हम इसका हाफ ले रहे होते हैं। ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं हम 60 और 120 का हाफ ले रहे हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि आपने जो कंपास है ना वो इधर से पकड़ना है, जैसे यहाँ पर अभी आपको अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ था और दो दफ़ा आपकी आग बल के ओवर हुई भी है, इस तरह नहीं कीजिएगा, दोबारा बना लीजिएगा। तो आपने यहाँ से पकड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आपकी ये जैसे मैंने इस आगे से पकड़ा था तो यहाँ पे बहुत सारी आर्क नज़र आ रही है, जब मैंने इसे पीछे से पकड़ा तो आपके पास एक सीधी और साफ सुथरी आर्क नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। और ये जो मैंने गड़बड़ की है ये इसलिए की है ताकि आपको मालूम हो कि कंपास पकड़ने का कौन सा तरीका होता है। ठीक, आर्क लगा दी। ये आपके जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ओवर राइटिंग हुई हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि आप कोशिश करें कि न्यू आपकी ओवर राइटिंग ना हो। तो ये देखिए मैंने भी दोबारा इस फिगर को दोबारा बनाया और बनाने के बाद ये शो किया है कि अगर आपके पास ओवर राइटिंग हो तो उसे क्रॉस कर दें और नहीं बनाएं, बिल्कुल इस तरह क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और दोबारा भी कि ये यहाँ से पकड़ेंगे तो वही काम होगा जो अभी आपको थोड़ी देर पहले नज़र आ रहा था, और अगर आप अपनी कंपास को यहाँ से पकड़ेंगे तो वो फिर ये वाली एक्यूरेट तस्वीर बनेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे आप इनके ज्वाइन करेंगे तो ये आपका होगा एफ, और ये जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ई। ठीक,
आपकी स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क था कि आपकी जो बेस लाइन थी वो अलहदा थी और आपकी जो साइड की लाइन अलहदा थी। आपने क्या करना है, अब आपने बेस लाइन और चाहे आप इधर से ले लें चाहे उधर से ले लें, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो मैंने बेस से ही 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली और जब इसे कट किया तो आपके पास पॉइंट्स आ गए सी एंड डी, और आप सी और डी को ज्वाइन करें तो आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब हमने सी और डी को ज्वाइन किया तो क्योंकि ये वाली आर्क हमने 5 सेंटीमीटर की ली थी तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मेंशन करना है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल जो हमने कंपास की मदद से बनाए थे और यहाँ पे बेस। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी जो रेक्टेंगल स्क्वायर है वो ए बी सी तैयार हो गया। ठीक है, ओके, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, फिर हमने 1 सेंटीमीटर की सेमी सर्कल ए और बी दोनों पर ड्रॉ किया, फिर इसकी मदद से दो आर्क्स ली, ये पहली 60 और फिर 120 होती है, यहाँ पे भी 60 और 120 और उनकी मदद से हमने आर्क्स ली है। और कंपास को बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपकी यहाँ पे आर्क्स की ओवरराइटिंग ना हो। ठीक है, अगर ओवरराइटिंग हो जाती है तो आपने उसे दोबारा बनाने की कोशिश करनी है और बल्कि दोबारा ही बनाइएगा। ठीक है, जब आपने फिर एंगल ड्रॉ कर दिए, वो आपका एंगल यहाँ पे बी एफ और आपका ए ई होगा, फिर इसके बाद आपने 5 सेंटीमीटर बेस की मदद से ही, मैंने यहाँ से क्योंकि स्केयर था तो यहाँ से ही ले ली, चाहे आप स्केल की मदद से ले लें 5 सेंटीमीटर की आग यहाँ से बी से और ए से ड्रॉ कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर और ये आपका रिक्वायर्ड स्केयर बन गया। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके रेक्टेंगल की तरह के ही है। आपने ड्रॉ करनी है एक लाइन सेंटीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन ईच पॉइंट ए एंड बी विद हेल्प ऑफ कंपास, विद ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, यहाँ पर यह है कि रेडियस जो आपका होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, एट पॉइंट डी है और आपका ए ई ही है, विद बी एज सेंटर ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर का ही था, एट द पॉइंट सी ऑन बी एफ ज्वाइन सी एंड डी और ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके मैंने आज आपको क्वेश्चन में दो रेक्टेंगल्स बताए, एक रेक्टेंगल जिसमें साइड्स दी गई हुई है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें साइड भी डायगोनल दिया जाता है, और फिर उसके बाद नंबर 3 पे मैंने आपको स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में आपकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। अब आपके जो अगले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको भी शो कर देती हूँ कि अगर आप देखेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया। ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 9, 10, 11 ये जो मैंने अभी आपको किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 3.5, यानी 5 की बजाय आपने 3.5 सेंटीमीटर का होगा, यानी आपका स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाएगा। नंबर 13 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज टू एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड देयर इंक्लूड एंगल इज 90 डिग्री। अगर वो ये सेंटेंस ना भी लिखते तभी रेक्टेंगल के ना एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये वाला आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है बिल्कुल। और ड्रॉ अ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज ऑफ द ईच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, और ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। मैं फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 होमवर्क दे रही हूँ कि आपने इसे खुद से करने की कोशिश करनी है और बिल्कुल कोशिश और बल्कि ट्राई भी कीजिएगा। अगर आपका ये होमवर्क है, ये तीनों क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 और आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कीजिएगा, पहले इसे पेंसिल से 2-3 दफ़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, जब आपका परफेक्शन हो जाए तब आप उसे नीट कॉपी पे कीजिएगा और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजिंग ना लाइएगा, सेम टू सेम है। बस ये है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 5 और 4 है, यहाँ पे 3.5 है और यहाँ पर 8 और 10 है। ठीक है, बाकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे तो आप उसके जो रेक्टेंगल स्क्वायर के जो नेम है वो ए बी सी ही रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।